तो हर क्षण नूतन है। पुरा अपि नवम, जो पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है वो है पुराण। इदम भागवतम नाम पुराणम, इस पुराण का नाम है भागवत। तो भगवतः अयम, ये भगवान का ही स्वरूप है इसलिए भागवत। भगवान से संबंधित जो है वो है भागवत। भगवान से संबंधित कोई ग्रंथ हो तो वो भागवत है। भगवान से संबंध रखने वाले पुरुष को हम भागवत कहते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक सब भागवत पुरुष है। ध्रुव जी भागवत है, तुकाराम महाराज भागवत है। जिनका भगवान से संबंध है वो है भागवत। भगवत संबंधी भागवत। भगवता प्रोक्तम भागवतम, व्यास जी ने तो लिखा है, व्यास जी ने तो विस्तार किया, कहा तो है स्वयं भगवान ने। जिस प्रकार वेद भगवान का निश्वसित है, तस्य निश्वसितम वेदाः, जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े यह कौ रूप है, भगवान का निश्वसित है भागवत। भगवान का ही कथन है, भगवता प्रोक्तम, भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से निकला है, इसलिए यह भागवत कहलाता है। और यह भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है इसलिए भागवत है। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक भाव है कि ये भागवतों का पुराण है इसलिए भागवत पुराण है। भागवतानाम पुराणम इति, इसमें भागवतों की कथा मुख्य है, यानी भक्तों की कथा प्रधान है, भक्तों के चरित्र का प्राधान्य है इसमें, इसलिए यह भागवत पुराण है। भगवान का चरित्र प्रधान नहीं है। यदि भगवान का चरित्र प्रधान होता तो यह भगवत पुराण कहलाता, लेकिन भागवतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र मुख्य है इसलिए इसका नाम भागवत पुराण। भगवान की चर्चा है निश्चित रूप से भागवत में, लेकिन वो भक्तों के माध्यम से, भक्तों के ब्याज से। अब प्रहलाद की जब बात चलेगी तो नरसिंह भगवान की बात तो चलनी ही है, ध्रुव की चर्चा चलेगी तो श्रीहरि की
बात तो आएगी ही, शबरी की चर्चा करो और उसमें राम का उल्लेख न हो, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन मुख्य है बात भक्तों की, ब्रजवासियों के प्रेम की, गोपी प्रेम की बात मुख्य है। अब जब ब्रजवासियों के प्रेम की बात चलेगी, गोपियों के प्रेम की चर्चा होगी, तो उसमें कन्हैया तो आना ही है। लेकिन मुख्य तात्पर्य है गोपी प्रेम क्या है ये बताना। गोपी का प्रेम, प्रेम किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है ये दिखाना, ये बताना, इसका दर्शन कराना, ये मुख्य प्रयोजन है। तो ये भागवतों का पुराण है, इसलिए इसका नाम भागवत पुराण है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम्।